कि बंद हड़ताल और प्रदर्शन अब हरियाणा में आम बात हो चुकी है और बार बार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। किसी संस्थान के खिलाफ अपनी मांग मनमानी हो तो बंद कर दीजिए, सरकार के खिलाफ राजनीतिक पार्टी का विरोध हो तब भी बंद का ऐलान कर दिया जाता है। भाजपा सरकार पर झूठे वादों और प्रदेश में बढ़ते अपराध के आरोप लगाकर इनेलो बसपा गठबंधन की ओर से आज हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। बंद आह्वान के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही बंद को सफल बनाने के लिए इनेलो और बसपा के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। संगठन के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों और बाजारों में नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों और व्यापारियों से बंद को समर्थन देने की अपील की। इनेलो के बंद का प्रदेश के अलग अलग जिलों में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवी किस्म के लोगों से निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। बंद के असर सोनीपत, राई, कालावाली, गुरुग्राम, रतिया, गन्नौर, फतेहाबाद, रेवाड़ी, यमुनानगर, सिरसा समेत दूसरे हिस्सों में भी देखा जा रहा है। तो राई, सोनीपत, कालावाली, गुरुग्राम, चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दिखाया जा रहा है तस्वीरों के जरिए कि कैसे बंद का असर दिख रहा है। इनेलो और बसपा के द्वारा जो आज बंद का ऐलान करके सड़कों पर उतरा गया, लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है, उसका कितना असर प्रदेश में दिख रहा है उसकी तस्वीरें जीती जागती हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, गन्नौर, रतिया, ये हाल बताने के लिए काफी है कि कहां कहां पर बंद का असर दिख रहा है। हालांकि मिला जुला असर इसको कहा जा सकता है क्योंकि काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कोई भी असर इस बंद का दिख नहीं रहा है। तो सरकार के झूठे वादों पर आरोप लगाते हुए बंद का आह्वान किया। सिरसा में हालात कैसे, इस बंद को लेकर कितना असर दिख रहा है वहां पर, यही जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमित तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। अमित, बात सिरसा की करें तो कितना फिलहाल असर वहां पर दिख रहा है इस बंद का, लोगों ने कितना समर्थन दिया इस बंद को अभी तक? जी पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर बंद का आह्वान किया था वो मुख्य मुद्दा एसवाईएल का था, लेकिन एसवाईएल मुद्दे पर जो है पूरी तरह से सहानुभूति लोगों की इनेलो और बसपा गठबंधन को मिलती दिखाई नहीं देती। इसलिए जो अब जो ताजा मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि का मामला है, उसे भी इसमें जोड़ा गया था। और आज सुबह से ही जो है इनेलो कार्यकर्ता लगातार जो है लोगों के बीच पहुंचकर अपील कर रहे हैं, उनके देखकर दुकानें बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो इस प्रकार का खुल बंद का जो खेल है वो लगातार जारी है। हालांकि सिरसा में जो है जो मुख्य बाजार है, जो बीच के बाजार है, वो तमाम बाजार बंद है, लेकिन यह दौर चल रहा है, लोग खोलते हैं और बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी बात अगर यह भी कही जाए कि प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई थी, बावजूद इसके जो पांच से और पांच से ज्यादा लोग हैं वो लगातार एकत्रित होते हैं, हो रहे हैं और जुलूस भी निकाला जा रहा है। तो ऐसे की निषेधाज्ञा लगातार पहले भी टूटती रही और आज इनेलो के बंद में भी निषेधाज्ञा टूटती दिखाई दे रही है। जी तो अमित, ऐसे में जैसे आपने कहा कि कुछ एक जगहों पर जब कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो बंद कर दिए जाती हैं दुकानें और उसके बाद शटर खोल दिए जाते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए कि क्या कोई डर का माहौल है, डर की वजह से भी क्या ये सब हो रहा है कि कहीं कार्यकर्ता ना बंद कर दें इसलिए वो बंद कर देते हैं देखते दुकानें? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बंद की तो ज्यादातर जो बंद है वो डर की वजह से ही कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। चाहे पिछले दिनों 2 अप्रैल को हुए दलित बंद की बात की जाए, लोगों की सहानुभूति कम होती है क्योंकि उनका उस दिन का रोजगार जो है वो छिन जाता है। लोगों की यही मांग होती है कि बंद ना करवाया जाए, कोई और रास्ता निकाला जाए। उनको लगता है, आशंका रहती है कि कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए, कोई शरारती तत्व उनका नुकसान ना कर जाए। तो इस वजह से भी बंद में जो है वो लोगों को मजबूरी बस सहयोग देना पड़ता है। बंद के प्रति सहानुभूति लोगों में कम ही नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, कितना असर प्रदेश के हर हलके में पड़ रहा है ये हम आपको हर हलके के ताजा अपडेट बता रहे हैं। तो इसी बीच अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकुमार, अंबाला में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, जिस तरीके से हरियाणा बंद का ऐलान है आज और क्या कुछ वहाँ देखा जा रहा है, ताजा हालात जानना चाहूंगी। बिल्कुल, अंबाला में जो बंद का असर है वो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वैसे इनेलो के कार्यकर्ता यहाँ ज्यादा इनेलो पर जोर नहीं है क्योंकि कुछ एक कार्यकर्ता ही हैं जो सवेरे दुकानें बंद कराते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे वो बाजार में आगे दुकानें बंद कराते जा रहे थे पीछे पीछे जो है बाजार खुलता जा रहा था। और व्यापारियों का भी कहना है कि रोज रोज
जो है इस बंद वो कहाँ से कर लेंगे, क्योंकि रोजी रोटी भी कमानी है और इनके तो मुद्दे जो है वो अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ एक मुद्दे जो है वो ठीक है, जैसे चावल के मुकाबले जो हमारा रुपया गिर रहा है और इसके साथ साथ जो है डिवाइडर बना दिए गए हैं, सड़कें तंग हो गई है यहाँ पर, इसके साथ SOIL का पानी का चक्कर है और इसी प्रकार जो नोटबंदी है वो फेल हो गई है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल के दिनों दिन रेट बढ़ गए हैं, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कह दो कि ये तो मुद्दे ठीक है, लेकिन रोजाना का बंद जो है वो कहाँ की जो उन्होंने कहा है कि कहाँ तक ठीक है, रोजाना बंद करना चाहिए उनके पक्ष की बात। राजकुमार, हर तरफ से ये खबर जो है आ रही है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, दुकानों को भी बंद करा रहे हैं और जैसे कि आपने कहा अम्बाला में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से लिया जाए इसको, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं दुकान बंद करने के लिए? कार्यकर्ता जो है यहाँ तो हाथ जोड़कर दुकानें बंद करने की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें कि अम्बाला के बाजार वैसे भी 10 से 11 बजे के बीच में खुलते हैं और इनका जुलूस जो है वो 9 बजे शुरू हो गया था, अधिकतर दुकानें इस समय बंद रहती है, लेकिन जैसे जैसे व्यापारी जो है ये दुकानें खोलने आ रहे थे, हाथ जोड़ के उनसे दुकान ना खोलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही नाटो के कार्यकर्ता आगे जा रहे थे, पीछे पीछे जो है दुकानदार जो अपनी दुकानें खोल रहे थे। जी शुक्रिया राजकुमार अपनी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुख कर लेते हैं फरीदाबाद की तरफ, संवाददाता राजेंद्र धैया हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में बंद का असर दिख रहा है कुछ, क्या वहां पर लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है, बाजार के हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से NIT विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से ही जो NLO के नेता है वो सड़कों पर उतरे और यहाँ पर जो तेजपाल डागर है उनके अध्यक्षता में काफी लोगों से मिलकर यहाँ पर जो कुछ दुकानें खुली हुई थी उनको भी बंद करवाया गया, और दूसरे क्षेत्रों की बात करें बल्लभगढ़ है या फरीदाबाद है, वहां भी NLO के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन बंद का यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि 11 बजे तक यहाँ पर लगभग बंद बिल्कुल पूरी तरह से असरदार रहा, उसके बाद यहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हो गई और जो है। जी शुक्रिया आपका राजेंद्र। कुरुक्षेत्र से भरत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भरत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी बंद को लेकर? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र जो है इनेलो पर गढ़ माना जाता है, क्योंकि इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदो करोड़ा, उनका निवास स्थान यहाँ है और उनकी जो स्थानीय है और राजनीति है वो यहीं से शुरू होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ इनेलो जो है कोई कोर चक्कर नहीं छोड़ेगी, बंद को सफल बना लेंगे और निश्चित रूप से जो बंद इनेलो द्वारा कॉल किया गया वो क्षेत्र में आप जो सफल मान सकते हैं, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मैदान में है और शहर भर में उन्होंने पहले व्यापारियों से अपील की और उनकी अपील पर अब तक माना जा सकता है कि अब तक का जो बंद था वो पूरी तरह सफल माना जा रहा है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा ने एक बात कही है कि व्यापारी वर्ग जो है और जो दूसरे वर्ग है वो पूरी तरह भाजपा सरकार से खफा है, तो कई जगह पे उन्होंने दुकानें बंद कराने की कोशिश भी नहीं की बल्कि खुद व्यापारी आगे उन्हें समर्थन दिया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बीजेपी से जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश बिदानी जी फोन लाइन पर है हमारे साथ। योगेश जी नमस्कार, सुन रहे हैं मुझे? नमस्कार। योगेश बिदानी जी, जगह जगह बंद है, असर कई जगह दिख भी रहा है, सरकार ने तैयारी क्या कर रखी है? क्योंकि इनेलो और बसपा तो आम जनता तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं, कोशिशें कर रही हैं कि क्या कुछ बीजेपी ने किया था और उसका असर कितना दिख रहा है, क्या तैयारी आपकी? अगर आप इसे ही तैयारियां कहते हैं, इसे ही बंद कहते हो तो फिर कोई भी करा सकता है। इनेलो चल यहाँ हरियाणा में कई साल सत्ता में कर चुकी है, तब इसको तो मुझे ध्यान नहीं आते थे, आज इसको बंद कहते हैं। मेरे ख्याल में हिसार में बैठा हूँ, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ एक दुकान भी बंद हो, एक भी व्यक्ति बंद हो। नहीं योगेश जी, हमने संवाददाताओं से अभी जानकारी ली है, बहुत सारी ठीक है मिला जुला असर जरूर दिख रहा है ये बात मैं कह सकती हूँ, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक मेन मार्केट से बहुत सारी जगह बंद है। आपने हिसार की बात की, हिसार से अभी हमने जानकारी ली, वहाँ पर भी ये स्थिति है। एक भी दुकान बंद हो तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं इस समय शहर के बीच में खड़ा हूँ। ठीक है, मतलब आपने जिम्मेदारी ले ली है अभी की बंद को लेकर? कोई भी दुकान बंद नहीं है, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहा, कोई भी इस बात पे पर विचार भी नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, बात पे विचार होता ही नहीं है। ठीक है ठीक है। निशांत सिंह जी हैं हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता। निशांत सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। निशांत सिंह जी, कितना अभी सक्सेसफुल मान रहे हैं इस बंद को, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है पूरा असर है? हालांकि आप तो कहेंगे कि असर दिख रहा है, लेकिन हमारे पास फीडबैक कुछ और आ रहा है, बताइए। देखिए ऐसा है कि बंद की कॉल तो इनेलो बसपा गठबंधन ने की, लेकिन ये मान के चले कि बंद तो पहले ही रहता है, बाजारों के अंदर कहीं रौनक नहीं थी, बाजारों के अंदर कहीं ग्राहक नजर नहीं आता, और जितना व्यापारी है चाहे वो रेड़ी वाला हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी GST नोटबंदी
और सरकार की अन्य जितनी भी फेलियर्स हैं उनसे परेशान थे और उसका बहुत पूर्ण समर्थन मैं मान के चलता हूँ। 95% बंद रहा। हाँ। अभी हम बाजार में बैठे हैं और हम देख रहे हैं। निशान जी आप कहाँ पर हैं? आप मुझे बताइए जरा कौन सा बाजार बंद है जहाँ पर? मैं तोहाना, मेरा जो क्षेत्र तोहाना है वही तोहाना में। हाँ। बाजार के अंदर हम लोग बैठे हैं, अभी भी पूर्ण बंद है। इसका मतलब ये था कि लोग परेशान है सरकार की नीतियों। ठीक है, हमारे साथ योगेश जी हैं, योगेश बिदानी जी जुड़े हुए हैं हिसार से, वो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वो बता रहे हैं हिसार में तो कोई असर नहीं दिख रहा, वो मेन बाजार में है, कोई दुकानें बंद नहीं है, कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा अभी। देखिए योगेश जी किस दल से है, किस मंशा से कहते हैं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं तोहाना में बैठा हूँ अभी, मुझे पूरे हरियाणा की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार कि आज पूरे हरियाणा के अंदर सरकार से व्यापारी पूरी तरह से खफा है। व्यापारी जीएसटी की वजह से खफा है, नोटबंदी की वजह से खफा है, व्यापारी जो पेट्रोल और डीजल की रोज कीमतें बढ़ती उससे खफा है। हाँ। आपकी रसोई गैस की कीमतें बढ़ती उनसे खफा है, जो व्यापारियों से लूट हो रही है आज पूरी तरह से। ठीक है, चलिए योगेश जी से जरा प्रतिक्रिया लेते हैं, योगेश जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। योगेश जी आप हैं मेरे साथ फोन लाइन पे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। निशान जी एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, एकमात्र रास्ता क्या ये बंद है? क्योंकि एक तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी व्यापारी वर्ग परेशान है, उसके पास नहीं जो रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा, उतनी कमाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ अगर बंद करेंगे तो आपको नहीं लगता इससे और दोहरी मार ये व्यापारी वर्ग झेल रहा है? बाजारों में भीड़ वैसे ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि और बंद करके और नहीं होगी? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप हमें अमूमन कहते हैं कि आप क्या करते हो, विपक्ष क्या करता है? विपक्ष देखिए मैं ये कहूँ कि विपक्ष हमेशा एजिटेशन करता है, प्रोटेस्ट करता है, मेमोरेंडम देता है, धरने देता है, और एक आखिरी प्रयास जो है उन व्यापारियों की कीड़ा में शामिल होकर के 2-3-4 घंटे का बंद करके हम लोग जो है ना एक उनके प्रति अपनी जो साथ देना है व्यापारी का ये कह लो, तो बैठ करके आपस में तो ऐसा माहौल है, हम चर्चा करते हैं जैसे हमारा कुछ खो गया। ठीक है निशान जी, अगर निशान जी कोई इसमें नहीं समर्थन करता तो दुकानदारों को छूट है ना, वो अपनी दुकानें तो खोल सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि बंद करना ही करना है? हाथ जोड़ के बंद करने की अपील की, पूर्ण बंद किया लोगों ने, पूर्ण बंद किया, हमने तो हाथ जोड़ के एक दिन जाकर के कल लोगों के यहाँ संस्थानों पे बाजार में निवेदन किया था, आज पूर्ण बंद कर दिया लोगों ने, लोग हमारे साथ बैठे। ठीक है, शुक्रिया आपका। तोहाना से हमें बताया निशान सिंह जी कि वहां पर पूर्णतः बंद है, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता योगेश बिदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हिसार में कुछ एक असर नहीं दिख रहा, हालांकि ये पॉलिटिकल एंगल से अलग अलग, लेकिन इस दौरान फीडबैक हम अपने रिपोर्टर्स से जान रहे हैं, क्योंकि वो हमें जो तमाम हकीकत है उससे रूबरू करवा रहे हैं कि वाकई में क्या बंद का असर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कितने पैमाने पर उसको कहा जाए कि दिख रहा है, और अगर डर के वजह से जो है ये भय की वजह से अगर ये स्थिति बनी हुई है तो वो क्यों बनी हुई है। अलग अलग तस्वीरें राई, सोनीपत, कालावली, गुरुग्राम की हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश के हर हल्के में क्या कुछ स्थिति इस वक्त बंद को लेकर है वो अपडेट आपको बता रहे हैं।